hi everyone this is Sivanjali from mel welcome to mel management e learning this is the second lecture of trade union in first part we have seen the meaning definition of trade union uh, the history of trade union the function of trade union objective and importance of trade union and the trade union act 1926 till here we ha i have covered in first part मैं आपको लिंक दे दूंगी इसमें ठीक है पार्ट वन एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द सेकेंड पार्ट ठीक है तो आपका ये थर्ड यूनिट जो ट्रेड यूनियन है वो कंप्लीट uh, हो जाएगा ठीक है आज हम देखेंगे प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ओके तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन जिसमें हम ये सारे पार्ट को देखेंगे ओके okay? तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ट्वेंटी सिक्स दैट मीन्स ट्रेड यूनियन मींस एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्प्ररी और परमानेंट ट्रेड यूनियन टेम्प्रेरी फॉर्म में भी होती है और परमानेंट फॉर्म में भी होती है दी पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन एंड बिटवीन एम्प्लॉयर एंड उम्प्लॉयर ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पार्ट वन में बहुत ही अच्छे से ट्रेड यूनियन का मतलब होता है ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जो कुछ दिनों के लिए बनी हो टेम्परली बनी हो किसी पर्टिकुलर कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए एज अ कलेक्टिव या फिर परमानेंट कोई ट्रेड यूनियन हो जो जिनका पर्पस क्यों क्या होता है टू रेगुलेट दी रिलेशन बिटवीन वर्कमैन एंड इम्प्लॉयर जो वर्कर हैं और जो मैनेजमेंट है उनके बीच अच्छा रिलेशन हो रिलेशन बिटवीन दी वर्कमैन एंड वर्कमैन एंड दी बिटवीन वर्कर सॉरी इंप्लॉयर एंड एम्प्लॉयर मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के बीच का रिलेशन ठीक है फंक्शन में हमने देखा था और ऑब्जेक्टिव फंक्शन या इंपॉर्टेंस बोलो उसमें हमने देखा था कि ट्रेड यूनियन एक एक यूनियन के थ्रू हमें एक कलेक्टिव एफर्ट और पावर के थ्रू हम कलेक्टिव बार्गनिंग कर सकते हैं नेगोशिएट कर सकते हैं मैनेजमेंट से अपने वर्किंग कंडीशन और हेल्थ इन्वायरमेंट के लिए हम बात कर सकते हैं वेज के लिए हम बोल सकते हैं सैलरी के लिए बोल सकते हैं प्रमोशन के लिए बोल सकते हैं देन हमने देखा था कि हम अपने जो ट्रेड यूनियन कैसे हेल्प करता है लेबर वर्कर के लाइफ को ठीक करने के लिए उनको एजुकेट करता है देन ट्रेड यूनियन का एक और फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट सीख करना ठीक है तो दिस आर दी फंक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है इस पार्ट में हम देखेंगे कि ट्रेड यूनियन को हम रजिस्टर कैसे करते हैं अगर आप किसी कंपनी में हो और आपको बहुत सारे वर्कर हैं वहाँ पे तो और, और आप यूनियन फॉर्म करना चाहते हो खुद का तो आप उस पर कैसे रजिस्टर करोगे वो हम देखेंगे ठीक है द ट्रेड यूनियन एक्ट इन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स एक्ट जो है एक्ट टू प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ये जो एक्ट है ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्कर uh, और मैनेजमेंट uh, को हेल्प करता है एक यूनियन बनाता है पर्पस उसका वही है कि वो एक जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको कलेक्टिवली वे से वो अचीव करना चाहता है और दीज आर यूनियन इन इंडिया तो अब ये आप जाके गूगल करके आप सबके बारे में देख सकते हो ठीक है अब प्रोसीजर क्या है प्रोसेस क्या है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन तो ये एक खुद में एक क्वेश्चन फुल मार्क्स टेन या फिफ्टीन मार्क्स में आता है कि व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड यूनियन एंड व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन और प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन या आपसे पूछा जाएगा ट्रेड यूनियन एक्सप्लेन द ट्रेड यूनियन एक्ट नाइनटीन तो आप ट्रेड यूनियन एक्ट नाइनटीन टिक को डिफाइन करोगे देन इसमें आप एक पेज में या हाफ पेज में आप फंड एंड इम्पॉटेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन बताओगे एंड देन आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताओगे ठीक है क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही है तो हाउ टू रजिस्टर ए ट्रेड यूनियन अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट नाइनटीन दे आर इसको फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है द फोर प्रोसीजर इन्वॉल्व इन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन आर एस फॉलो ठीक है इसको मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी आप बहुत ही अच्छे से शांति से समझो इसको सुनो ये बहुत ही इजी है दिखने में बस टफ लगता है बट आप समझ जाओगे तो इट्स वेरी इजी फॉर यू ठीक है सबसे पहले ट्रेड यूनियन फॉर्म करने के लिए अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रार अपॉइंटमेंट करना होगा ठीक है फिर हम देखेंगे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे होगा देन राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार एंड देन लीगल रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ठीक है तो ये हम एक एक करके देखेंगे इसको मैं लास्ट में समझाऊंगी पहले फर्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार ओके अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार ऐसा अकॉर्डिंग टू सेक्शन थ्री ऑफ एक्ट ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार एज अ पर्सन उसको uh, पर, किसी पर्सन को रजिस्ट्र ट्रेड यूनियन का फॉर्म करती है या फिर उसको अपॉइंट करती है ये हर एक स्टेट का होता है ठीक है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन थ्री ऑफ एक्ट दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेल अपॉइंट अ पर्सन ठीक है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक पर्सन टू बी द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन फॉर ईच स्टेट ओके एंड दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेल ऑल्सो अपॉइंट एज मैनी एज एडिशनल एंड डिप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन यस एक तो वो मेन रजिस्ट्रार एक फॉर्म करती है अपॉइंट करती है एंड देन उसको जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसको एडिशनल डिप्यूटी रजिस्ट्रार भी अपॉइंट कर सकती है ठीक है देन ओके okay, तो हमारा जो पहला आ, प्रोसेस है पहला जो प्रोसीजर है ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन का अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इज़ दी अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार और ये अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार कौन करेगा रजिस्ट्रार को कौन अपॉइंट करेगा तो दैट इज दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ठीक है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेल पर्सन एक पर्सन को अपॉइंट करती है एज अ रजिस्ट्रार और ये हर एक स्टेट के लिए होता है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है ठीक है साथ में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑल्सो हैव द पावर टू अपॉइंट एज मैनी एडिशनल और डिप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन ठीक है तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया सेकेंड है हमारा प्रोसेस या प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे क्या उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है ओके okay? डिंग टू सेक्शन फोर रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड था सेक्शन थ्री और ये सेक्शन फोर है द एकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर ऑफ एक्ट एक्ट दैट मीन्स नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स ट्रेड यूनियन एक्ट एनी सेवन और मोर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट मे मेक एप्लीकेशन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन दैट मीन्स ये बोलता है ठीक है तो ये बोलता है कि एटलीस्ट आपके पास सेवन चाहिए फॉर एग्जांपल इन इनके दो कंडीशन है एक तो सेवन मेंबर होना चाहिए आप जब भी ट्रेड यूनियन के लिए अप्लाई करते हो एप्लीकेशन अप्लाई करते हो तो आपके पास जो मेंबर हैं उसमें एटलीस्ट सेवन होना चाहिए या टेन परसेंट ऑफ टोटल वर्कमैन होना चाहिए ये दोनों कंडीशन अगर जब फुलफिल होगी तभी आप अपना ट्रेड यूनियन एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हो ये समझ लो यहाँ पे टेन परसेंट फॉर यहाँ पे टेन परसेंट ऑफ हंड्रेड टेन परसेंट और सेवन का मतलब है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन uh, में सेवेंटी टोटल लेबर हैं, सेवेंटी टोटल वर्कर हैं या इम्प्लॉज हैं, तो उसका आप टेन परसेंट आप करोगे तो सेवन आ जाएगा ठीक है तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे रहा है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन जो आप एप्लीकेशन है जो उनका मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो पूरा हो जा रहा है इसमें एटलीस्ट सेवन मेंबर चाहिए या फिर टेन परसेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का वो चाहिए तो मिनिमम आपके uh, जो लेबर uh, होंगे या या वर्कर होंगे या इम्प्लॉइज होंगे वो सेवेंटी होंगे तो हमारा काम हो जाएगा ठीक है जैसे अगर हैंड्रेड है सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे आपके हंड्रेड के यूनियन है तो टेन परसेंट ऑफ हंड्रेड होता है टेन ओके तो टेन मोर देन सेवन हो गया और टेन परसेंट हो गया तो दिस दिस कंपनी आल्सो एलिजिबल फॉर एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ठीक है तो ये दो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वन इज द मिनिमम नंबर इज सेवन परसेंट एंड सेकेंड वन दी वन इज द दर्सेंट ऑफ द दर्कमैन तो कोई भी कंपनी में अगर किसी कंपनी में फिफ्टी ही इम्प्लॉयज हैं तो वो ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकती है क्यों क्योंकि टेन परसेंट ऑफ ये फिफ्टी आपका फाइव ही होगा ठीक है तो मिनिमम हमको कितना मेंबर्स चाहिए सेवन चाहिए तो आपको एटलीस्ट मिनिमम सेवन सेवेंटी वर्कर तो चाहिए ही फॉर फॉर्मिंग द ट्रेड यूनियन ठीक है अब इसको देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट मे मेक एन एप्लीकेशन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन देयर आर टू कंडीशन टू फर्स्ट नो ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमेन सेल बी रजिस्टर्डेंट और वर्कमैन विच इज लिस्ट इंगेज इन दस्टेट ऑफ इट्स ठीक है सेकेंड द नो ट्रेड यूनियन सेल्वी रजिस्टर मिनिमम सेवन ऑफ इट्स मेंबर ठीक है तो ये दो रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट सेवन में टेन परसेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ठीक है देन हम बस ये ये पूरी बात बस यही बोल रही है कि आप सेवन परसेंट एटलीस्ट मेंबर होना चाहिए उस ट्रेड यूनियन को फॉर्म करने के लिए और टेन परसेंट ऑफ होल वर्कमैन होना चाहिए नेक्स्ट है हमारा हाँ इसको एक्चुअली uh, इसको uh, एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है अगर आप फॉर so, एग्जांपल uh, आप एप्लीकेंट हो और रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो तो वो क्या चेक करेगा आप का कि कि एटलीस्ट हैं नहीं आपके ट्रेड यूनियन आप फॉर्म करने के लिए जा रहे हो आपके फॉर्म में वो चेक करेगा एटलीस्ट सेवन परसेंट है या नहीं और टोटल वर्कमैन का टेन परसेंट है या नहीं अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ठीक है सेकेंड है हमारा अकॉर्डिंग टू सेक्शन फाइव एप्लीकेशन फॉर ट्रेड यूनियन अब अब क्या उसको मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन में भी ही आता है आपने अप्लाई कर दिया आप एलिजिबल हो नेक्स्ट स्टेप होता है कि एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में आप कैसे करोगे तो आपको आएगा नेम ऑफ दी सेवन पर्सन इन ट्रेड यूनियन आपको वो सेवन पर्सन जो भी मेम्बर है उनके फुल नेम लिखने होंगे ऑक्यूपेशन ऑफ पर्सन एड्रेस ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ द वर्क ऑफ दी पर्सन नेम ऑफ दी यूनियन यस आपको एक नेम डिसाइड करना होगा जो नेम पहले से ट्रेड यूनियन का नहीं है यूनिक नेम आपको डिसाइड करना होगा एंड एड्रेस ऑफ द ट्रेड यूनियन हेड ऑफिस ठीक है इफ़ द ट्रेड यूनियन हैज ऑलरेडी बीन एग्जिस्टिंग फॉर वन ईयर फॉर इट रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेंबर शुड सबमिट ऑल द डिटेल ऑफ द ट्रेड यूनियन गोइंग टू रजिस्टर बाय द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन अगर कोई ट्रेड यूनियन ऑलरेडी वन ईयर से है और वो सारा अपना पेपर वर्क कंप्लीट कर दिया है तो वो रजिस्टार रजिस्टर हो जाती है बाय रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन ओके नेक्स्ट है प्रोविजन टू बी कंटिन्यू इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन क्या प्रोविजंस हैं टू बी रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन को कंटिन्यू करने के लिए तो एज पर एक्ट ऑफ सिक्स ऑफ द एक्ट ट्रेड यूनियन सेल नॉट बी एंटाइट टू रजिस्टर अंडर द एक्ट इफ़ द प्रोविजन एंड रूल्स मेंशन अंडर एक्ट आर नॉट ड्यूली कंबाइल्ड अगर इसमें से कोई भी एक तो जो ये नंबर हैं जो भी प्रोसेस हैं अगर उसको रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो ट्रेड यूनियन जो है वो एलिजिबल नहीं होगा रजिस्टर होने के लिए द नेम ऑफ ट्रेड यूनियन नेम उस उनका यूनिक होना चाहिए पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन के नेम को आप ये नहीं यूज़ कर सकते हो देन ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए ट्रेड यूनियन का द होल पर्पज फॉर विच दी जनरल फंड ऑफ द ट्रेड यूनियन सेल बी एप्लीकेबल एंड द मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए जनरल फंड जो है ट्रेड यूनियन जो प्रॉपर यूज जनरेट करती है उसको प्रॉपरली यूज करना है इन लॉफुल पर्पज ठीक है इलीगल तरीके के लिए यूज नहीं करना है लॉ के अकॉर्डिंग रहते हुए हम जो फंड जनरेट हो रही है उसे यूज करेंगे पेमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन बाय दी मेंबर बहुत ही मिनिमम चार्ज लगता है ट्रेड यूनियन के मेंबर्स का वो इम्पॉर्टेंट है लेना लाइक टू रुपीज फाइव रुपीज ऐसे चार्जेस हैं एंड देन डिसिप्लिनरी एक्शन अगर ट्रेड यूनियन के मेम्बर्स कुछ इलीगल काम करते हैं तो उनके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन भी है मैनर इन विच दी रूल सेलेंडेड ओके तो जो भी रूल्स रेगुलेशन जो ट्रेड यूनियन के बनते हैं वो अमेंडेड मतलब बेटर होने चाहिए वेरिड होनी चाहिए और रिसाइंड होनी चाहिए मतलब लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए दी मैनर इन विच दी मेम्बर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिस बियर ऑफ ट्रेड यूनियन सेल्फी इलेक्टेड एंड रिमूव एक प्रॉपर मैनर होना चाहिए कि आप कैसे इलेक्ट कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो ट्रेड यूनियन के को देन मैनर द ट्रेड यूनियन में रिजोल्व ठीक है तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए नेक्स्ट हमारा आता है रजिस्ट्रेशन अब हमें रजिस्ट्रेशन क्या है आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में सबमिट करना पड़ता है जहां पे रजिस्ट्रार Uh, करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट ठीक है तो यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड द डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन इज करेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन गोइंग टू बी रजिस्टर द ट्रेड यूनियन कौन रजिस्टर करता है तो रजिस्ट्रार का ही काम है देन हमारा जो थर्ड है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार एक मिनट में आपको ये जो था आपके क्वेश्चन में अगर आता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन फॉर एम बी ए थर्ड सेमेस्टर तो आपको ट्रेड यूनियन एक्ट डिफाइन करनी है देन उसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार पहला जो है इसका प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस वो आपको लिखना है कि रजिस्ट्रार को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है एंड देन डिप्यूटी और बहुत सारे रजिस्ट्रार हेल्पर रजिस्ट्रार भी वो अपॉइंट करता है ठीक है देन मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर आप पूरा रूल्स रेगुलेशन लिखोगे कंडीशन लिखोगे ये जो कंडीशन थी कि सेवन मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए और टेन परसेंट ऑफ वर्कमैन होना चाहिए ये कंडीशन लिखोगे देन फिर आप एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में क्या क्या आती हैं चीजें भरने के लिए वो लिखोगे जिसमें एप्लीकेशन जब आप रजिस्टर करने जाओगे ये हम सेकेंड पार्ट देख रहे हैं मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ठीक है पहले तो हम कंडीशन देखेंगे कि हम एप्लीकेबल हैं या नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए देन हमें क्या क्या चीज चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए तो हमें क्या चाहिए ये सारी डिटेल्स चाहिए ओके okay? एंड देन हम देखेंगे प्रोविजन टू बी कंटिन्यू इन रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन क्या क्या रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करना है एज फॉर रजिस्ट्रेशन वो हम चेक करेंगे और जब ये सब कंप्लीट हो जाता है देन हमारा थर्ड uh, फिर हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो रजिस्टार्ट करवाता है ठीक है देन हमारा थर्ड uh, आता है प्रोसेस द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्टार्ट ठीक है है तो यहां पे क्या इज 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 अ पर्सन हु हु एंड चीफ ऑफ डिपार्टमेंट अंडर द सेक्शन थ्री जो आपने फर्स्ट में देखा था ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट रजिस्ट्रार इज बीन अपॉइंटेड बाई द अप्रोप्रियट गवर्नमेंट एंड अप्रोप्रियट गवर्नमेंट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तो पहले समझ लो रजिस्ट्रार क्या है रजिस्ट्रार एक पर्सन है जो वो सारे रिकॉर्ड को वेरीफाई करता है चेक करता है और उसको संभाल के रखता है ये रजिस्ट्रार कैसे अपॉइंट होता है रजिस्ट्रार अपॉइंट होता है बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है रजिस्ट्रार को सर्टेन पावर दिया जाता है जो, ताकि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर सके और उसकी मेन ड्यूटी क्या होती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाना ठीक है एंड आपकी जब वो रजिस्टर हो जाती है ट्रेड यूनियन तो आपको ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलता है लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ये आपका फोर्थ प्रोसीजर है फोर्थ प्रोसेस है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन विच इज रजिस्टर्ड से बॉडी कॉरपोरेट जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो गई है वो एक बॉडी कॉरपोरेट हो गई है ठीक है अंडर दिन रजिस्टर्ड किसके अंदर जैसे आप अब जैसे कोई भी ट्रेड यूनियन का आप नाम जो रखते हो वो एक अलग से ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बन जाती है एक कॉरपोरेट बॉडी बन जाती है ठीक है ट्रेड यूनियन हैज हैव दी विच मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन एंड कॉम्बिनेशन रिगार्डलेस ऑफ़ एनी डेथ चेंज इन मेंबरशिप एक्सेट्रा एंड अ कॉमन सेल ठीक है तो ये बोल ट्रेड यूनियन को कंटिन्यूस हम रखना होता है उसमें कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसको मेंटेन करना है अगर किसी का डेथ हो गया तो फिर वो आपको उसको भी देखना है मेंबर्स आपके होने चाहिए जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको अपडेटेड आपको रखना है इट ऑल्सो हैज द पावर टू अपटेन एंड होल्ड दी मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टी अब ट्रेड यूनियन का जो एक वो अलग एंटिटी बन गई है तो दे हैव ऑल्सो पावर टू आप वो पूरा ऑफिस उठा सकते हो ले जा सकते हो तो वो उनके अंदर पावर होता है इट कैन स्यू और बी स्यूड बाय द नेम विच इज रजिस्टर्ड नो सिविल सूट और लीगल प्रोसीजिंग कैन बी प्रोसीड अगेंस्ट द ट्रेड यूनियन ठीक है एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद बहुत सारे पावर्स मिल जाते हैं आप इजली ट्रेड डिस्प्यूट को आप संभाल सकते हो तो दिज आर दीगल स्टेटस ऑफ ट्रेड यूनियन तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर खत्म हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन में आपको ये चारों पॉइंट ही आपको लिख के आना है ओके मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देती हूँ फॉर एडिशनल नॉलेज आप ट्रेड यूनियन में क्या क्या करना है ट्रेड यूनियन टू प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इन सर्टन रिस्पेक्ट टू डिफाइन दी लॉ रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ठीक है uh, पहला है आपका uh, रजिस्ट्रेशन ऑफ आप ट्रेड यूनियन में कैसे होगा तो फर्स्ट तो है आपको कि अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार वो यहाँ पे मिसिंग है फर्स्ट वन इज द अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार सेकेंड इज द मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन में मिनिमम सेवन होना चाहिए एंड एटलीस्ट टेन परसेंट ऑफ दर्क मैन होना चाहिए ओके देन वॉट डिटेल्स यू हैव टू फिल इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म द नेम ऑक्यूपेशन एड्रेस ऑफ द मेम्बर प्लेस ऑफ द वर्कर एड्रेस ऑफ इट्स हेड ऑफिस एंड नेम इज एंड एड्रेस ऑक्यूपेशन ऑफ़ ऑफिस ठीक है देन देन अगर ये सब में से कुछ भी नहीं होता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है ठीक है अगर अगर अ, ये सारी चीज फुलफिल होते हैं तो फिर हमारा रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रेशन कर देता है तो ये पूरा आ, पिक्टोरियल फॉर्म में भी बना के आ सकते हो अपने एग्जाम में ओके okay, तो आपका यूनिट थ्री ट्रेड यूनियन कम्प्लीटली मैंने कवर कर दिया है यूनिट uh, वन भी ऑलरेडी है यूनिट टू भी है यूनिट थ्री भी है एम बी ए इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड रिलेशन फॉर एम बी ए थर्ड सेमेस्टर के लिए उनके एग्जाम्स आ रहे हैं ये डी का कंप्लीट सिलेबस इसमें कम, आ, कवर किया हुआ है एकेटी यूनिवर्सिटी का कंप्लीट सिलेबस कवर किया हुआ है तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल मैनेजमेंट ई लर्निंग विदांजलि सिंह एंड क्लिक दी बेलाइकन और अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है कहीं भी कन्फ्यूज़न है या अदर टॉपिक आप मेरे से कवर करवाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट uh, uh, करके आप मुझे बताओ ओके और आपको अगर ये अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो भी मुझे बताओ आपको समझ में आ रही है या बात नहीं आ रही है यूज़फुल है या नहीं आपके लिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ओके थैंक यू सो मच